आमतौर पर चिदंबरम जी का बजट, उसकी सच्चाई अगले दिन समझ में आती है और अगले दिन उसकी झुर्रियां नजर आती हैं। लेकिन इस बार तो वो पॉलिश भी ढंग से नहीं कर पाए। मैंने उनको समझने में कहीं कोई गलती नहीं की। ये बजट अगर एक शब्द में कहा जाए तो बाजीगरी का बजट। विदेशी जूता केवल उन्होंने सस्ता किया है और हर चीज में अर्थव्यवस्था है वो उसको बढ़ाएगा, आम लोगों के ऊपर उन्होंने बोझ नहीं डाला है। इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। यह बजट जो है स्काई लैब बजट है और ऐसे अर्थशास्त्रियों का बजट है जो जमीन शास्त्र से कटे हुए। चिदंबरम जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सिर्फ आईवाश है, आम आदमी के साथ विश्वासघात है। The budget is prudent. आंकड़ों का जाल है। I'm happy with the budget. I don't think that any finance minister could have done better. Very, very disappointing budget. हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में है। ये बजट जो है इस सरकार के विदाई का गीत और चुनाव के संगीत को लेकर है। मिडिल क्लास इज निराश। महिला को बैंक जाने से डर नहीं लगता, पुलिस स्टेशन जाने से डर लगता है। कहीं रियलिस्टिक नहीं है, कहीं तथ्य नहीं है। जो महंगाई है वो चलेगी। प्रगतिकारक और एक रियलिस्टिक बजट रहा। जो संकट है किसान मजदूर और आपके मिडिल क्लास पर, वो जारी रहेगा। फार्मर्स को तो टोटली नकारा गया है। इनकम कहाँ से होगा यही नहीं बताया सरकार ने। घोषणाएं की हैं वो केवल हमें हवाई नजर आती हैं। इसमें इस बार के बजट में कुछ नयापन हमें नजर नहीं आता। खाली पॉप इलेक्शन बजट है, टोकनिज्म है, धोखाधड़ी का है। किसान का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया वित्त मंत्री को। बजट ने ऐसा कर दिया है कि किसान का पूरी तरह से उपेक्षा और चौपट। महंगाई कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है, मंदी कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। तो मध्यम वर्ग के लोग हैं तो मैं समझती हूँ कि वो तो हर मामले में हमें ज्यादातर वो निराशी नजर आएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग के लिए ये बजट बहुत ही गड़बड़ी रहेगा। ये बजट केवल 10% लोगों के लिए है। आम आदमी का चेहरा जिसके नाम पर सरकार आई थी चुनाव जीतकर, आज वो चेहरा भी सरकार के सामने से गायब हो गया। ये केवल जनता को कंफ्यूज करने वाला है। नमस्कार, बड़ी खबर में आम बजट। पी चिदंबरम के 8वें बजट की परतें खुलने में समय लगेगा, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ अहम पहलुओं पर नजर हम जरूर डालेंगे आज। पहले अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। 5 लाख तक की आय वालों को 2,000 रुपए तक की राहत मिली है, जिसमें करीब 1,80,000 लोगों को फायदे की उम्मीद है। सुपर रिच पर टैक्स की बात कही जा रही थी, जो कुछ कदम इसमें देखने को मिले हैं। 42,800 करोड़पतियों पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। जिन कंपनियों की आय 10 करोड़ से ज्यादा उन पर सरचार्ज दुगना। पहले 5% सरचार्ज था, अब सरचार्ज 10% होगा। विदेशी कंपनियों पर सरचार्ज बढ़ाकर 5% किया गया। किसानों की बात करें तो कृषि मंत्रालय के लिए 27,000 करोड़ रुपए, खेती के लिए कर्ज का जो लक्ष्य है वो 7 लाख करोड़ रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 9,954 करोड़। महिलाओं की बात करें तो पहली बार पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कही जा रही है। सुरक्षा के नाम पर एक फंड दिया जा रहा है। काफी कुछ होता नजर भी आ रहा है। विकास के प्रोजेक्ट्स के लिए देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम शहरों के नाम सुनने को इस बजट में मिले। कई आंकड़ों को पेश भी किया गया, फिर भी महंगाई को थामने और नौकरियों के इजाफे पर सवाल बने हुए हैं। अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कोई इसे दिखावटी चिदंबरम की बाजीगरी, किसानों से धोखाधड़ी कह रहा है, तो कोई इसे दुनिया भर के मंदी के माहौल में दूरदर्शी, प्रोत्साहित करने वाला, युवाओं और महिलाओं के लिए अच्छा बता रहा है। तो बड़ी खबर में सवाल ये है, क्या चिदंबरम ने राजनीति और अर्थव्यवस्था में ठीक तालमेल बिठाया है? तुम्हारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद है। चौधरी वीरेंद्र सिंह महासचिव कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव प्रताप रूड़ी सांसद बीजेपी,
मिथिलेश कुमार सांसद समाजवादी पार्टी, अतुल कुमार अंजान राष्ट्र सचिव सीपीआई, वेणुगोपाल धूत प्रेसिडेंट वीडियोकॉन, मेधा पाटकर सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर प्रवीण झा जेएनयू के हैं समाजशास्त्री, हमें मामले को समझाएंगे। सबसे पहले मैं मुख्य विपक्षी दल के पास बीजेपी के पास जाऊंगी। राजीव प्रताप रूडी, आपसे बीजेपी के जो सभी नेता अभी तक बयान दे रहे हैं काफी नाखुश नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ये पूरा बजट सामने आया है, आप इसे कैसे आंकेंगे? देखिए, इस बजट में हमने सोचा था कि ये स्वाभाविक तौर से किसी भी सरकार के लिए चुनावी साल में कुछ ऐसा बजट लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये बजट पेश किया गया है, जिस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं, जिस प्रकार से आप किसी योजना में, आप सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए, आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, आप आर्थिक संरचना में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, कोई इस बजट के बाद देश में एक प्रकार का निराशा रहा। जो डेढ़ घंटे का वक्त हमने लगाया इस बजट को सुनने के लिए, और हर बार जब आदमी बजट बैठ के देखता है तो उसे लगता है कि सरकार कुछ देगी। न महंगाई पर कोई ऐसी चर्चा है, न इस देश में निवेश पर कोई ऐसी चर्चा है, ना ही इस देश में आप देख सकते हैं जैसे मनरेगा जैसे फ्लैगशिप स्कीम था कांग्रेस की सरकार का, उस योजना में 40,000 करोड़ रुपया पिछले साल था, उसे घटा के 33,000 करोड़ कर दिया गया है। यहां तक कि आप यदि देखें कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सब्सिडी स्कीम है, जिसमें जो 50 जिले में लागू किए गए हैं, वो भी आज जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए जाने चाहिए था, आज मात्र 5 करोड़ रुपए गए। तो आप इस सरकार की जो भी शब्द का जाल बनाया गया हो, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने अपनी घोषणा की, 5.5 लाख करोड़ इन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर में कहा और 11 लाख करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में किया, लेकिन अगर पिछले साल का प्लान बजट देखें तो वो घट करके 4.25 लाख करोड़ रह गया। तो स्वाभाविक तौर से सरकार इतनी आप भी आंकड़ों के जरिए और आप नाखुश हैं। अतुल कुमार अंजान, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? मैं निधि जी, वित्त मंत्री जी के एक वक्तव्य से बात अपनी कहना चाहता हूं। उन्होंने अंग्रेजी में कहा, फेस्ड विद ए ह्यूज फिस्कल डेफिसिट आई हैव नो चॉइस बट टू रैशनलाइज एक्सपेंडिचर, वी टुक ए डोज ऑफ बिटर मेडिसिन, इट सीम्स टू बी वर्किंग। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये क्यों अपने को अलग कर रहे हैं? ये यूपीए से अलग है क्या, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ करके वित्त मंत्री की हैसियत से बजट पेश किया है? आपकी ये सारी नाकामियां फिजिकल डेफिसिट किसकी वजह से है? आप ये कहेंगे कि मुझे यह मिला है, लेकिन आप ये बताइए कि यह मिला कहीं आपको एनडीए की सरकार से, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार से तो मिला नहीं है, उसकी नीतियों से तो मिला नहीं है। आपको यह सारा जो फिजिकल डेफिसिट मिला है, ये किसकी वजह से मिला है? यूपीए की सरकार के ही वित्त मंत्रियों से मिला है, अर्थात यूपीए के काल में सारी वित्तीय नीतियां और वित्तीय सारे कार्यक्रम फेल हो गए, और इसीलिए महंगाई पर, मुद्रा स्फीत पर आप काबू नहीं कर सके, आप मुद्रा विकास की दर को भी बरकरार नहीं रख सके। 2008-09 में जहां आप 2009-10-11 में 9.3 तक गए थे, आप नीचे आके लुढ़क करके 5 और 5 से कम पर आ गए। तो अर्थात आपकी नीतियों ने एक गहरा संकट पैदा किया। एक लाइन कह के ताकि चर्चा आगे बढ़े, हर साल 1,22,000 एमबीए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं देश के अंदर जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनसे, और 1,14,000 बीटेक और एमटेक निकल रहे हैं हर साल जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं से, उनको तो रोजगार मिल नहीं रहा, किसको और मिलेगा?